देवेश, और आज हम देखते हैं, देखिए कैसा टॉयलेट सीरीज बनती है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये 43,000 स्क्वायर मीटर्स में बना हुआ है। इसमें पूरे एरिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है टॉयलेट सीट्स की। और देखिए ये प्रोडक्शन प्रोसेस आप देख रहे हैं कितनी नीट और क्लीन है। तो इसी तरीके से बनाया जाता है। अब देखिए ये पूरी ऑटोमेटिक प्रोसेस है, यानी मोस्टली जो वर्कर का काम है, देखिए ज़्यादा वर्कर नहीं दिख रहे पर मोस्टली ऑटोमेशन पे ही काम किया हुआ है। मेन देखिए रॉ मटेरियल, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए जैसे इन्होंने स्टॉक कर रखा है। मेन क्या है ये देखिए, ये है काओलिन क्ले। मेन जैसे क्ले यूज़ होती है जो उसको एक हार्डनेस और वो देती है, और साथ में इसमें कॉट स्टैंड का सैंड का यूज़ होता है ताकि जो उसको एक ग्लॉसी लुक दे, और ये फेल्ट्स पर भी डलता है ताकि उसमें एक शाइन आ जाए। तो देखिए रॉ मटेरियल इन्होंने स्टॉक कर रखा है। अब ये क्या है, एक मिक्सचर में डाल रहे हैं जैसे, और देखिए इसने जैसे मिक्सचर में ऐड कर दिया। पहले यहाँ से सॉर्ट होके जा रही है मेन प्रोसेस के लिए। देखिए इसने कलेक्ट किया और ये पूरे मेन प्रोसेस के लिए जा रही है ऊपर। अब इसमें चली गई, इसमें वाटर थोड़ा ऐड हुआ और थोड़ा एक क्ले पाइप्स के थ्रू इनको फिर एक लिक्विड मटेरियल पहुँचा दिया ताकि, और फिर ये आगे और सॉर्टेड होगा ताकि जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो छट जाए इसमें से। ये देखिए अब ये जो क्ले और पानी का मिक्सचर था वो सारा एक होमोजेनियस मिक्सचर बना दिया। ये देखिए इसमें देखिए पूरा ये मिक्स हो रहा है और बड़े जो पार्टिकल्स थे वो भी सेपरेट हो रहे हैं। तो और ये देखिए ये बन गया इनका परफेक्ट, एक जो सोल्यूशन बनना था वो बन चुका है। अब देखिए अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये एक और प्रिपरेशन कर रहे हैं एक और चीज़ की जो इसके साथ मिक्स होगा। ये भी क्ले की तरह ही प्रिपेयर होगा और थोड़ा लिक्विड ही फॉर्म में रहेगा। ये जो आपने सैंड देखी थी उसका एक फॉर्म होगा। ये देखिए इन्होंने बना दिया, अब इसको ये मोल्ड में डालेंगे। और ये सारे जो मोल्ड है इंजेक्शन मोल्ड होते हैं, इनमें सारा जो फिल होगा मटेरियल इंजेक्शन मोल्डिंग होगा। अब ये देखिए ड्राइंग एरिया भी है इसका, मोल्ड से निकाल दिए गए हैं, अब इसको ड्राई कर रहे हैं। ये देखिए अब पूरा 40 घंटे इसको रखेंगे ड्राई के लिए ताकि ये उसमें ना कोई लूजपन नहीं आए और थोड़ा ना शाइन आगे जब बढ़ेगी तो शाइन भी मेंटेन हो जाए। ये देखिए अब ये पूरा बन गया। अब ये क्या जाएगा, ग्लेजिंग के लिए जाएगा। ग्लेजिंग मतलब कि इसमें प्रोसेस होता है ताकि उसमें पेंट हो जाए, एक शाइनी टेक्सचर आ जाए। तो देखिए चार ग्लेजिंग, 4 to 6 ग्लेजिंग होती है। देखिए मैनुअली भी ये कर रहे हैं, एक जो मैनुअल प्रोसेस है वो जो मशीन नहीं कर पाएंगी वो ये कर रहे हैं। देखिए साइड से मार रहे हैं। ये देखिए पूरा एक प्रोसेस ये है ग्लेजिंग की। ये देखिए अब ये मशीन जो ऑटोमेटेड है ये ही कैरी कर रही है। ये देखिए आपने पूरा बढ़िया सा बना दिया इन्होंने, ये देखिए क्लासिक प्रोडक्ट बना दिया। अब ये देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, ग्लेज के बाद देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है वो बता रहे हैं। ये देखिए अब आप इसमें देखिएगा, ये देखिए वाइट ग्लेज हुई और सेकंड टाइम में हुआ, थर्ड में हुआ, फोर्थ में, और फिर ये तीन जो इसकी ग्लेजिंग है उसका प्रोसेस बता रहे हैं। अब ये देखिए ये ऑटोमेशन है, मशीन कर रही है। अब मशीन ने क्या किया, वर्कर जैसे करता है उसके सारे प्रोसेस सीख लिए, यानी उसमें कोड कर दिया, और ये उसी के अकॉर्डिंग देखिए जैसे वर्कर मारता है वैसे ही सेम प्रोसेस कर रही है। तो ये मशीन जो होती है कोडिंग के थ्रू जैसे नॉर्मल एक वर्कर करता है उसके अकॉर्डिंग सेट होती है। अब ये देखिए पूरा आइडिया हो गया। अब ये देखिए मशीन पूरा पेंट मार रही है, आपने देखा होगा मशीन ही ईजिली मार रही है। देखिए ओ नाइस, ये देखिए अब अंदर ही मारी। अब जो अंदर के देखिए थोड़े एरिया बच जाते हैं तो वो भले ही मैनुअल प्रोसेस से ही होंगे, उनमें तो मैनुअल प्रोसेस ही लगती है। अब ये देखिए इसने अपर वाला जो पार्ट था उसका जहाँ पे वाटर कैरी करते हैं तो वहाँ पे भी इसने मैनुअली अपना मार दिया ताकि जो मशीन से नहीं हो पा रहा था। ये देखिए अब ये जो बन गया, अब ये जा रहा है हीटिंग के लिए। ये देखिए अब इनका सिस्टम ऐसा है कि यहाँ से ऑर्डर प्रोसेस किया और यहाँ पे फीड हुआ उसी के अकॉर्डिंग बन जाता है। तो ये काफ़ी ऑटोमेटेड प्रोसेस है और ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही हाई लेवल की है। ये देखिए इन्होंने सेट कर दिया, ये स्टॉकिंग चल रही है इनकी। अब ये देखिए पूरा स्टॉक कर दिया इन्होंने कि इतना एरिया। अब इसके अकॉर्डिंग ये देखिए ब्लास्ट फर्नेस में भी डालेंगे ताकि हीट करेंगे इसको। अभी ये देखिए अभी आगे चल के अभी देखिए ये देखिए अब ये जो प्रोसेस है टनल कर्न है, इसी में क्या जाता है, इसी में सारे जाएंगे और एक हीट मेंटेन करेंगे। पहले एक स्लो हीट देंगे ताकि वो ब्रेक ना हो जाए, क्योंकि इंस्टेंट हीट से क्या होता है ये सारा ना ब्रेक हो जाएगा। अब तो आप देखिए इसने अंदर पहुँचाया इसकी, और इसका टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि कुछ ज़्यादा वो ना हो। अब ये देखिए इसमें रख रखा है, एकदम से हीट नहीं दिया है, एकदम से बहुत स्लो हीट दिया है और हाईएस्ट लेवल ऑफ हीट जाएगी इसमें, देखिए 1280 डिग्री सेल्सियस और तक जाएगी। ये देखिए
पूरा अंदर गर्म हो रहा है, और ये इससे क्या करेगा, ये बिल्कुल हार्डनेस कर देगा और पूरी जो जो भी मॉइस्चर होगा बॉडी इसमें तो वो ख़त्म कर देगा, तो ताकि इसमें हार्डनेस आ जाए और एक शाइन भी आ जाएगी। ये देखिए ये प्रोसेस कंटिन्यू, देखिए मैनुअल प्रोसेस कुछ भी नहीं है इसमें, मशीन का पूरा काम है। और ये देखिए पूरा इसने अंदर तक किया, देखिए 1 टॉयलेट इन 1 मिनट मीन्स एक टॉयलेट 1 मिनट में ये पूरा ख़त्म कर दे रहा है। और ये देखिए रोबोट्स ही है जो सारे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए इसमें देखिए कोई मैनुअल प्रोसेस नहीं हो रहा, एक रोबोट आया उसने अपना लिया पूरा वो उठाया ख़त्म किया। ये देखिए ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको। ये देखिए अब ये पूरा एरिया स्टॉकिंग कर लिया इन्होंने, और देखिए मैनुअल चेक भी कर रहे हैं फाइनल पैकेजिंग के लिए, और जहाँ जहाँ जिन्होंने बुक किया उसके पास ये जा रहा है बॉक्स में भर के। ये देखिए अब देखिए एक टेस्टिंग ज़रूर होती है इसमें पहले, तो ये देखिए टेस्टिंग कर रही है। देखिए इसने पीपी बॉल्स डाल दी और इसमें एज अ सॉर्ट ऑफ इंक डाल दी और एक फ्लश टेस्ट किया ताकि कुछ इश्यूज तो नहीं आ रहा, ये देख रहे हैं। ये देखिए इसे सारा कुछ फाइनल टेस्ट हो रहा है पैकिंग से पहले। ये देखिए अब ये देखिए इसमें पूरा चेक कर रहे हैं कि अब देखिए इतनी प्रोसेस बढ़ाने, एक छोटे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ नहीं होता, एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है उसी में ये सब हो सकता है। ये देखिए अब ये पैकेजिंग लाइन आ गई, जहाँ से टेस्टिंग फाइनल टेस्टिंग के बाद एक पैकेजिंग लाइन आ गई, यहाँ पे देखिए बॉक्स ऑटोमेटेड है, पैक हुआ और चले गया, देखिए पैक हो गया और चले गया। ये देखिए क्लासिक, ये देखिए अब देखिए पूरा पैक सेट है, ऑर्डर आया और ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ें काफ़ी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट प्रोडक्शन कौन सी देखना चाहेंगे। यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक में देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, और ऐसे ही मेरे वीडियोस पसंद करते रहिए। और अगर आपको कुछ भी लगा हो इस वीडियो में कि अब ये वाली प्रोसेस आपको समझ, या कौन सी प्रोसेस आपको अच्छी लगी, तो वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।